बड़े सरकार, सूबेदार मल्हार राव होलकर साहेब अपने सुपुत्र छोटे सूबेदार खंडेराव साहेब और पूरे परिवार के साथ पधार रहे हैं। बड़े सरकार की जय, बड़े सरकार की जय, बड़े सरकार की जय, बड़े सरकार की जय, बड़े सरकार की गौतमा, बड़े सरकार की जय, 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 बड़े सरकार की जय। उस दिन खंडेराव ने अपने कद के हिसाब से गद्दी बनवाने की बात की थी, इसलिए हमने उनके लिए एक नया आसन बनवा दिया। आज के समारोह में अहिल्या के बैठने के लिए भी एक नया आसन बनवाया हमने, वो देखिए। अहिल्या, हम सब रानियों के लिए जो झरोखा है, हम बरसों से वहीं बैठती आ रही है ना, तो मैं चाहती हूं कि सुनबाई भी हमारे साथ ही बैठे, दरबार में नहीं। गौतमा, सरकार, मेरे बेटे के समारोह में क्या इतनी सी इच्छा भी नहीं जता सकती मैं कि कौन कहां बैठेगा? जश्न के माहौल पर उदासी फैलाने में कामयाब हो गए हम, कोई भी खुश नहीं नजर आ रहा, आएगा भी कैसे? हमारी नजर जो लग गई इनकी खुशियों को। पर अब उदास होने से क्या फायदा, युवराज तो बन गया ना खंडेराव। जिस लड़की के कारण ऐसा हुआ है, हमने उसी को दूर कर दिया खंडेराव से। धीरे धीरे हमारी समझ में आ रहा है कि बड़े सरकार ने इसी लड़की को क्यों चुना अपनी बहू बनाने के लिए। क्यों चुना? बड़े सरकार अपने बेटे की कमी जान चुके थे और अहिल्या को देखकर उन्हें लगा कि इस लड़की में उनके बेटे की कमियों को ढांकने की काबिलियत है। अहिल्या की शक्ति, बुद्धि और साहस के सहारे बड़े सरकार खंडेराव को खड़ा करना चाहते थे, हमने वही सहारा छीन लिया खंडेराव से। अब बिना अहिल्या के बेचारा खंडेराव बिना पतवार की नाव की तरह यहां वहां डोलता रह जाएगा, खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा, दूसरों को क्या संभालेगा। आइए जी, आइए आइए सरकार।
आज से बड़े सूबेदार जी की अनुपस्थिति में पूरे मालवा की जिम्मेदारी आपकी होगी। खंडेराव से शपथ ग्रहण करवाई है तात्या जी। मैं शपथ पत्र पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे उसे दोहराइए। तुम खंडेराव की अर्धांगिनी हो, इसलिए खंडेराव के हर सुख दुख में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। हर जिम्मेदारी, हर कर्तव्य खंडेराव को जितना निभाना है तुम्हें भी उतना ही निभाना है। कल दरबार में जब वो शपथ ले रहा होगा तब शपथ निभाने की जिम्मेदारी में भी तुम्हें उसका साथ देना होगा। बड़े सुबिताजी ने कहा, छोटे सुबिताजी की सारी जिम्मेदारी मुझे भी पूरी करनी है, फिर तो शपथ भी लेनी चाहिए ना मुझे। देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव, और माँ भवानी से मेरा नम्र निवेदन है, और माँ भवानी से मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे मालवा प्रांत के उत्तराधिकारी का पद संभालने की अनुमति और आशीष प्रदान करे हम वचन देते हैं कि मेरा ध्यान पूर्ण रूप से अपनी राज्य की सुख समृद्धि पर केंद्रित होगा। ईश्वर को साक्षी मानकर हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगी। मारवा के नागरिकों को हानि पहुंचाने का शत्रु को एक भी अवसर नहीं दूंगी। इतिहास में शहंशाह जहांगीर और बेगम नूर जहान के किस्से भी तो हैं, जहां जहांगीर बस नाम के सम्राट बनकर रह गए और बेगम नूर जहान राजपाट चलाने लग गई। सुबह ही तो समारोह हुआ है और शाम को मोहिम पर निकल रहे हैं आप। खंडेराव जिन सीमाओं के उत्तराधिकारी बने हैं उनकी रक्षा तो करनी होगी ना हमें रानी साहिब।
पर इस बार हम बहुत निश्चिंत होकर जा रहे हैं। खंडराव की जीत ने एक अलग सा विश्वास जगाया है मन में कि हमारे उपस्थित ना रहने पर भी सब सुरक्षित होगा। क्यों खंडराव? इस विश्वास को हमारे टूटने मत देना। आप फिक्र क्यों करते हैं बड़े सरकार? अहिल्या है ना खंडेराव के साथ, इसीलिए तो हम और भी निश्चिंत हैं। अपना ख्याल रखना अहिल्या। सुपिता जी, आप वापस कब आओगे? अहिल्या, काम से बाहर जाते हुए व्यक्ति से ऐसा प्रश्न पूछना अपशगुन होता है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वापस आएंगे, चिंता मत करो। जी धनाजी साहब, सभी को पढ़ो। सरकार चले। अब हमें चलना चाहिए। सरकार तुम्हारी तरफदारी करते हैं, इसलिए बहुत मनमानी कर चुकी तुम अहिल्या, पर अब तुम्हें अपनी जगह पहचाननी होगी। देखकर चौंक गई ना, यही सोच रही हो ना कि हम यहां कैसे आ गए? हम तो बात भी नहीं करने वाले थे तुम्हारे साथ, फिर भी कल रात बहुत सोचा हमने कि हम तो बेकार में नाराज हो रहे थे तुमसे। हमने तो साथ दिया था हमारा, सवालों के जवाब ढूंढे थे, अब ये तो झूठ नहीं है ना? अहिल्या, गलती हो गई मुझसे। राय साहब कहती है कि जब हमें हमारी गलती का एहसास हो जाए ना, तो हमें उसे सुधार लेनी चाहिए। हम तुम्हारे लिए भेंट लाए। तुम्हारे लिए पर ये तो लड़कों के कपड़े। हाँ, हम जानते हैं, इसलिए तो लाए हम तुम्हारे लिए।
तुम तो लड़की हो ही नहीं, तुम्हें तो वो सारे काम करने हैं जो हम करते हैं। आई साहेब, छोटी आई को बता रही थी कि दरबार में तुमने भी हमारे साथ साथ शपथ ली है, तो जब तुम्हें दरबार जाना है, गद्दी पे बैठना है, तो ये साड़ी पहनकर दरबार में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम ये लाए हैं तुम्हारे लिए। लड़कों वाले पहनावे के साथ ये लंबे बाल रखना भी अच्छा नहीं होगा। चलो इसे भी काट देते हम। कानू जी, जरा वो लाओ ना, बाल काटने वाला। हाँ, काटू काटू। क्या हुआ अहिल्या? अब की बार किसी को कुछ भी बताना मत मेरे बारे में, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। क्या हुआ अहिल्या? वो तो हम ऐसे अहिल्या को मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। चलो चलो चलते हैं। क्या बात है, क्या कहने आए थे खंडेराव? वो कुछ नहीं, मेरे साथ ही रहेंगी ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी? नहीं, अब चलो, अक्का साहब बुला रही है। आओ अहिल्या, कुर्सी पर बैठिए। लेकिन ये कुर्सी तो आपकी है ना, फिर मैं इस पे कैसे बैठ सकती हूँ? यदि उत्तराधिकारी के गद्दी पर नजर रख सकती हो, उनके साथ शपथ ले सकती हो, तो रानी की कुर्सी पर बैठने से कैसा संकोच? तुम इसे अपने लायक नहीं समझती या गद्दी पर ही बैठने का इरादा कर रखा है? सुबह, मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकती हूँ? और मैं छोटी सुबेदार जी के साथ शपथ इसलिए ले रही थी क्योंकि बस ना बस। तुम्हारा स्पष्टीकरण तुम्हारे पास ही रखो। होलकर घराने की सुनबाई होने के नाते एक एक काम सीखना है तुम्हें, तो चलो शुरुआत इसी काम से करते हैं। देखो, साल भर का अनाज आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ बैठकर तुम्हारी निगरानी में एक एक बोरी उतरवानी है और काम होने पर सबको अपने अपने हिस्से की रकम देनी है। सुबह, मुझे गिनती नहीं आती, फिर मैं कैसे? ये जो लोग हैं,
यही बरसों से अनाज दे रहे हैं महल में, इसलिए ना बोरिया गिनने की जरूरत है ना रकम गिनने की। अहिल्या, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सिक्के गिनना रानी का काम नहीं होता। रानी का काम है लोगों को परखना, ऐसे लोग जिन पर विश्वास कर सको। इतना विश्वास कि सामने वाले के पास विश्वासघात करने के लिए कारण ही ना रहे। विश्वास पर ही सब कुछ टिका होता है अहिल्या, रिश्ते भी और राज्य भी। अब बोरिया उतरवाने का काम शुरू कर दो, और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं होता तुम यहां से बिल्कुल नहीं हिलोगी। आया समझ में? हरकू भाई साहब, आप मेरे साथ चलिए, सुनबाई सब संभाल लेगी। पर अक्का साहब, पहली बार इतना बड़ा काम सौंपा और अकेला छोड़ दें उसे। पति के हिस्से की प्रशंसा लेना आता है ना इसे, तो ये काम कौन सा मुश्किल है, कर लेगी। देखा जाए तो इसे यही सब करना चाहिए राजपाट में पढ़ने के बजाय। आप सब बोरिया उतरवाइए। ध्यान से करना है काम। चलिए हरकू भाई साहब। मैंने तो बस खंडेराव जी की मदद ही की थी, किसी को कुछ बताया भी नहीं। फिर सब लोग मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? भी चली गई, क्या इस महल में कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता? अकेली ही रहूंगी मैं। अरे पायल की आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई लड़की पायल पहन के भाग रही है, पर भाग क्यों रही है? देखना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.